तेनु दुबई नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? कार चल। तो मेरे साथ इतने अच्छे क्यों मिला? क्योंकि तू मेरी रूपा है। फौज तो मैनू डिस्चार्ज मिलन दे बाद मैं घर वापस आया। मम्मी नू बड़ा चंगा लग्या ते मैनू भी। कुछ दिन बाद मन किया कि बाला दे घर वालों से मिलन वास्ते जाओ। ता मैं बुड्ढी पालम गया जी। उस दी गांव उसकी घरवाली से मिला मैं। उनका तातैया का डेथ हो गया। तातैया? ग्रैंडफादर। ओ नाना। हाँ। और हमको टेलरिंग का भी कुछ नहीं मालूम। मैंने बम्बई छेड़े बागुंडी नाना। गांव वालों ने बाला दी समाधि बनाई थी जी, मैं उत्थे भी गया। ए देख बाला, तेरी कापी वीरे अभी मेरे पास है। अपना वादा मैं भूला नहीं हूं। जो शुरू में 1,00,000 रुपए चाहिए ना, उसमें से कुछ तो मेरे पास है और बाकी मैंने मम्मी से बात की है। ओए तू बिल्कुल फिक्र ना कर वीरे। और तेनू पता है अपनी फैक्ट्री कहां शुरू हो रही? रूपा दे कमरे विच। मैंने रूपा ते मोहम्मद पाजी नू खत लिखिया कि मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। मैंने 3 मशीनें खरीदी, कपड़ा खरीदा, 2 टेलर काम पे लगा दिए। दिस फिल्म इज प्रेजेंटेड बाय स्काई एक्सचेंज। मैं एक दिन विच 20 सेट सीता था और ओ दोनों 10-10, मतलब एक दिन विच 40 सेट। एक महीने विच 1,000 सेट बन गए जी, ठीक वैसे ही जैसे बाला ने कहा था। बहुत अकलमंद था जी बाला, जैसे उसने प्लान बनाया था ठीक वैसे ही होया। हमें तो चड्डी बड़ियान बनाने में बहुत मजा आ रहा था तो हम बनाते गए। बस उसने जो आखिरी पन्ने पे लिखा था वो नहीं हो रहा था जी। पता नहीं क्यों हम महीने दे 800 सेट नहीं बेच पा रहे थे। पुत्र मेनू खेती का काम आंदा है, चड्डी बने आंदा नहीं। और फिर अचानक एक दिन पता है कौन आ गया? शुक्रिया मोहम्मद पाजी। पाजी तुसी इधर की कर रहे हो? सोचा थोड़ी सिलाई मशीन चला। पर पाजी थोड़े तो पैर नहीं ना। पता है मुझे बेवकूफ, तुमने खत लिखा था मुझे बाला अंडरवियर बनिया ना। क्या बात है, सचमुच बन गए तुम बिजनेस में। आओ जी, तुम्हें आ गया तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजर बनने वादे का पक्का हूं लाल मियां। स्टॉक किधर है?
तो भी सर्टिफिकेट 5 सर्टिफिकेट हैं जी, मम्मी ने खरीदे मेरे वास्ते। मोहम्मद पाजी ने मैनू आइडिया दिया, हमने एक पे एक सेट फ्री बेचना शुरू किया। फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकिया था, मोहम्मद पाजी ने किया कि एक पे दो फ्री देते हैं। फिर भी माल नहीं बिकिया ता हमने एक पे तीन फ्री देना शुरू किया। जब फिर भी हमारा माल नहीं बिकिया ता हमने नया माल बनाना ही बंद कर दिया। या खुदा पेंदे ओ पेंदे अरे अरे ये दे पेंदे लड़की लड़की का नाम देते हैं अपने प्रोडक्ट को की गल कर दे पाजी ऐता मर्दों का प्रोडक्ट है। मर्दों को क्या चाहिए लामिया, लड़की तो चाहिए। लिखो लिखो किसी लड़की का नाम लिखो लिख लाले। सॉरी बाला भीरे, मैनू ता बस एक ही कुड़ी का नाम मालूम था, दुनिया का सब तो सोना नाम रूपा। बड़ी बात लामिया, बहुत बड़ी बात। ते सचमुच चमत्कार हो गया जी, सदर प्रोडक्ट काफी बिकन लग गया। रूपा अंडरवेयर बनियान देखते ही देखते तीन सिलाई मशीन से 9 मशीनें हो गई जी। हाँ फिर हमने एक वट्टी जगह ले ली, फिर जी उस तो भी वट्टी। आज हमारी कई सारी फैक्ट्री हैं जी, और हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में। बहुत पॉपुलर है हमारा प्रोडक्ट, शायद आपने भी पहनी होगा। एक मिनट, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप रूपा कॉर्पोरेशन के मालिक हैं? आओ जी वेरी गुड मैडम, देखिए हम एक करोड़पति के साथ बैठे हैं, वो भी सेकंड क्लास नॉन एसी में, रूपा कॉर्पोरेशन। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है तुम्हारी बेटा, और तुम सुनाते भी कितना अच्छा हो। थैंक यू जी। तुसी मोहम्मद पाजी की फोटो देखनी है? जरूर। ए देखो जी, इंडिया टुडे ने मोहम्मद पाजी और मैनू अपने कवर पे छापा था। मुझे भी दिखाइए जरा। कुछ साल पहले हमें अवार्ड मिला था जी, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। स्मार्ट लग रहे ना मोहम्मद पाजी सूट विच। रूपा कॉर्पोरेशन। हाँ जी रूपा कॉर्पोरेशन, मैंने रूपा कॉर्पोरेशन दे मुनाफे विच दो हिस्से बना दिए। मोहम्मद पाजी मैनू बेवकूफ कहंदे है, पर हर साल एक हिस्सा बाला दी करवाली नू जांदा है। मोहम्मद पाजी ने मेरा हिस्सा कोई तवेले विच लगा दिया जी। वो कहंदे है कि अब मैनू पैसे दी चिंता करन दी जरूरत ही नहीं है जिंदगी पार। बड़े चंगे इंसान है मोहम्मद पाजी। मम्मी बाला और रूपा दे बाद मेरे सबसे चंगे दोस्त। इन आतंकवादियों ने सात घंटों से पूरे शहर को गोलाबारी से दहशत में रखा था। आतंकवादियों के इस हमले में 175 से अधिक लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए।
मैंने तुम्हें कभी शुक्रिया नहीं कहा ना मुझे बचाने के लिए. थैंक यू ला. वेलकम पाजी. मैंने तुम्हें कभी इबादत करते नहीं देखा. पूजा पाठ कुछ नहीं. क्यों? वो मेरी मम्मी कहती है कि मजहब से कभी कभी मलेरिया फैलता है. और रब तो हमारे अंदर है जी. मम्मी दे अंदर, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर. मैं भी यही सोच रहा था लाले. मुझे अब घर चले आना चाहिए. मुझे कहा था यहां सब दुश्मन है, काफिर है. फिर मुझे तुम मिल गए. मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने मुझे बचाने की. दुश्मन तेज सोच कर आया था, दोस्त मिल गया. पता है लाल, दरअसल मलेरिया हो गया था मुझे. तुमने मुझे तो बचा लिया पर वहां अब भी मलेरिया फैला हुआ है. मुझे से कितों को बहकाया जा रहा है, दुश्मनी सिखाई जा रही है. लाले, मैं वापस जाके एक स्कूल खोलना चाहता हूं. वहां बच्चों को तुम्हारे ऐसे दोस्तों के बारे में सिखाना चाहता हूं. पाजी मैं तुम्हें चिट्ठी लिखाऊंगा. शुक्रिया लाले, शुक्रिया. ते फिर एक दिन मोहम्मद पाजी अपने घर चले गए. पर जाने से पहले उन्होंने रूपा कॉर्पोरेशन नू संभालन वास्ते बहुत स्मार्ट लोगों को नौकरी पे रख लिया. बाला ते रूपा दे साथ साथ अब मैं मोहम्मद पाजी नू भी मिस करन लग गया. हेलो. मेरा वक्त खत्म हो गया लाल. इसमें घबराने की कोई गल नहीं है लाल. हर किसी नूं जाना पैंदा है.
कुछ अलग नहीं हो रहा मेरे नाल बच्चे। जिंदगी का ही हिस्सा होती है मौत। मेरी तकदीर अच्छी थी कि मेरी जिंदगी में तू आया। अपना साथ बस यहीं तक लिखा था लाल। मैं जितना कर सकती थी मैं किता, कुछ सही शायद कुछ गलत। ना जा मम्मी। जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है लाल, पेट भले ही भर जावे मन नहीं भरता। अपना ख्याल रखी। नानू कैंसर होया सी। गुरुवार का दिन था जदो फिल्म सी। मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम्हारी जरूरतें पूरी होने के बाद भी जो भी तुम्हें मिलता है वो समझ लेना कि वाहेगुरु ने वो तुम्हें किसी और दे वास्ते दिता है। तो मैं जी मम्मी के नाम पर एक अस्पताल खोलिया। उस दिन देखभाल हमारे पुराने डॉक्टर साहब करते हैं। मां सबका इलाज मुफ्त होता है जी। मम्मी चल बसी तो खेती संभाल वास्ते कोई नहीं बचिया। मैं अगर फैक्ट्री संभाल वास्ते चला जाता तो काम करने वाले मजदूरों का की होता। तो मैं वापस ही नहीं गया जी, घर विच रह के खेती करन लग गया। दिन भर तो काम विच उलझा रहिंदा सी, पर जैसे ही रात हो जाती थी रूपा दी याद सताने लगती। रूपा नू देखे मैनू बहुत साल हो गए थे। मैनू उसकी बहुत याद आती सी। एक दिन वो वापस आ गए जी अचानक। मैंने उस दे वास्ते मम्मी का कमरा साफ किया। लगता था बहुत थक गई थी वो। पहले कुछ दिनों तो बस सोती रही दिन पर रात पर। मैंने उसनों सारा कुछ बताया, बाला मोहम्मद पाजी फैक्ट्री ते रूपा कॉरपोरेशन। मैंने उसनों बताया कि अब उसनों पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसे जितने पैसे चाहिए थे मैं दे सकता था, पर
अब उसने वो पैसे नहीं चाहिए थे, वो ज्यादातर खामोशी रहती। बस एक बार जब हमारा नौकर दारू पी के घरवाली नु पीट रहा था, ता उसने जाकर बहुत गालियां दी, उसने पीटा और फिर खुद ही रोती रही बहुत देर तक। और फिर एक दिन जी रूपा मुस्कुराई। हम साथ साथ खेत विच काम करते थे, दिन भर साथ में रहते थे, जैसे आलू के साथ गोभी। जादूगरनी मिल गई जी, जो एरोप्लेन नू पकड़ के जेब विच रख लेती थी। उसने जी मैनू डांस करना सिखाया, ऐसा लगने लगा कि हम दोनों अपने आप में एक फैमिली थे जी, वो मम्मी ते मैं पापा। ओए होए, मैनू अपनी लाइफ विच इन्नी खुशी कदी नहीं मिली जी। उस साल दिवाली ते उसने मैनू सब तो वधिया गिफ्ट दिता, जूते। रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी तू? मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। पता है लाल, लेकिन तुम मेरे साथ ब्याह नहीं करेगी क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूं, बुद्धू हूं। इस वास्ते नहीं ना, ऐसी बात नहीं है, शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पीछे मेरा कुछ भरोसा नहीं है। होशियार नहीं हूं पर मैं मैनू पता है कि प्यार की होता है।
सच मुझे भैया उसे मत जगाइए चलिए लम्हों में आए लम्हों में गुम मेरे हुए हो हिस्सों में तुम है जिंदगी के किस्से कई मिलते हो सारे सो में तुम